हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। YouTube पर वीडियो बना के लाखों रुपए कमाने का दोस्तों सपना सपना ही रह जाएगा। कोई पॉइंट नहीं है YouTube पे अपना टाइम और पैसा वेस्ट करने का दोस्तों। कोई पॉइंट नहीं है अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपनी सोसाइटी के सामने अपना मजाक बनवाने का दोस्तों। कोई पॉइंट नहीं है एक एक सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए परेशान होने का दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब बिल्कुल बायस्ड है टूवर्ड्स जो बड़े वाले क्रिएटर, क्योंकि उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, उनसे ही यूट्यूब को पैसा ज़्यादा मिलता है। जितना बड़ा आपका चैनल होगा, जैसे मान के चलो किसी चैनल के महीने के मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, तो वही चैनल इनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो छोटे वाले क्रिएटर्स हैं, जो इनके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। हाँ जी, अब बात करते हैं जो न्यू क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे अभी शुरू किया है या सोच रहे हैं दोस्तों शुरू करने का, तो आप सब कुछ भूल जाओ दोस्तों। आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी यूट्यूब की तरफ से। भाई आप सोच रहे हो ना कि मैं वीडियो बना के लाखों कमाऊंगा, आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं होगी, ठीक है, कोई भी वीडियो रैंक में नहीं आएगी। रैंक तो आप भूल जाओ भाई, बात बात पे आपको स्ट्राइक दे दी जाएगी भाई। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो आपका चैनल ही डीमोनिटाइज कर दिया जाएगा, जिसको आपने पूरी मेहनत से उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, वॉच टाइम पूरा करके आपने मोनिटाइज किया, आप खुश हुए, वो चैनल ही एक दिन आपका डीमोनिटाइज हो जाएगा दोस्तों। मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, मैंने मेहनत करके एक चैनल बनाया जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सारा कुछ करके मोनिटाइज किया चैनल को, मोनिटाइज हो गया चैनल। उसके बाद लास्ट वीक दोस्तों इन्होंने मुझे एक स्ट्राइक दे दी, ठीक है। मुझे पता नहीं, क्योंकि न्यू कमर्स को नहीं पता होता भाई, जो न्यू कंटेंट क्रिएटर में नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मेरा एक वीक के लिए सारा कुछ बंद कर दिया, तो कोई इशू नहीं था भाई। तो फिर क्या हुआ कि कल 2 दिन पहले इन्होंने मेरा चैनल वापस 7 दिन बाद शुरू किया। जैसे ही शुरू किया तो मैंने, क्योंकि कोई वीडियो मेरे पास अभी रेडी नहीं थी, एक दो वीडियो थी जो जिन पर अभी टाइम लग रहा था, तो मैंने चैनल को एक्टिव रखने के लिए एक दो शॉर्ट्स डाल दी ताकि चैनल एक्टिव रहे। हाँ, वो रीयूज्ड है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर भाई इन्होंने कुछ नहीं पूछा, 2 शॉर्ट्स मैंने डाली हैं, उसके बाद सीधा इन्होंने मेरे चैनल को डीमोनिटाइज कर दिया भाई। 1 मिनट में मेरी सारी की सारी मेहनत ख़त्म कर दी, 1 मिनट में, ठीक है भाई। इन्होंने विदाउट एनी वार्निंग मेरा चैनल डीमोनिटाइज कर दिया, ठीक है। अगर ये मुझे कोई वार्निंग दे देते, बता देते भी शॉर्ट्स भाई डाल रहे हो तुम रीयूज्ड, तो मत डालो नए चैनल पे, एक और स्ट्राइक दे देते, 15 दिन वाली स्ट्राइक दे देते, मैं समझ जाता, ठीक है। अब ये इन्होंने सीधा बंद कर दिया चैनल, डीमोनिटाइज कर दिया, बंद नहीं किया, सीधा डीमोनिटाइज कर दिया। और उसके आगे ऑप्शन आ गए हैं कि आप अपील करो, अगर आप अपील नहीं करोगे, अगर आप रीअप्लाई करोगे, रीअप्लाई 3 महीने बाद होगा, 90 डेज के बाद। अब जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है, सारा कुछ करके मोनिटाइज किया है, क्या उसमें क्या हौसला रहेगा कि वो 90 दिन वेट करे? क्या वो 90 डेज वेट करना उसके लिए सही है? सो भाई मेरी सबसे यही बेनती है कि YouTube पे अपना टाइम मत खराब करो, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपको। ये सारे कानून, ये सारा लॉ, ये सारे स्ट्राइक्स सिर्फ न्यू कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही हैं भाई, बड़े लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। वो जो मर्जी करें, उनको कोई सवाल नहीं पूछता, नए के लिए सारे कानून हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये बेनती करूँगा कि लाखों कमाने के चक्कर में आप अपने 1000 खराब मत करो भाई। और बहुत से प्लेटफार्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और बहुत कुछ आ रहा है भाई, लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है, कहीं और जाके अपना टाइम जरूर अपना ख़राब करो, इसमें अपना टाइम बिल्कुल ख़राब मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं टाइम ख़राब करने का, मेरी यही राय है। बाकी मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। ओके दोस्तों, इंसानियत जिंदाबाद।